ई बाल भारती में पूछा गया क्वेश्चन है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड सिमिलर टू ट्राइंगल पी वाई आर, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल वाई है 60 डिग्री, एंगल एक्स वाई है 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड है 5.1 सेंटीमीटर, एंड एक्स वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू फोर अपॉन सेवन, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल पी वाई आर, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल पी वाई आर। अब ये क्वेश्चन में तुम देखेंगे एक्स वाई जेड सिमिलर टू ट्राइंगल पी वाई आर, तो इसके अंदर तुम देखेंगे तो वाई है ना, ये तुम्हारा ये एंगल में भी पॉइंट वाई है, ये एंगल में भी पॉइंट वाई है, मतलब ये वाई है ना, ये वाई दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल बन के आ रहा है, दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन एंगल कौन आ रहा है, वाई। तो तुम लोग क्या करो, एनालिटिकल फिगर बनाएंगे, रफ फिगर, जो कॉमन अल्फाबेट आ रहा है ना, वाई वाई रिपीट आ रहा है ना, वाई रिपीट हो रहा है, तो उसको इधर लेफ्ट साइड पे ले लो, ओके, वाई इधर, हाँ, और ये एक्स वाई जेड है ना, ये वाई इधर, यहाँ पे वाई, कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड पे वाई, जो अल्फाबेट रिपीट हो रहा है वो इस तरफ, और ये वाई जेड ट्राइंगल बना दो, एक्स इधर हो गया, वाई इधर, यहाँ जेड एक्स वाई जेड, ओके, इन एक्स वाई जेड एंगल वाई है 60 डिग्री, एक्स वाई है 4.5 एंड वाई जेड है 5.1 सेंटीमीटर, ओके। आगे लोगों ने क्या करें, एक्स वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू 4:7, एक्स वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू 4:7, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड पी वाई आर। वेरी फर्स्ट, ये टाइम, ये सम के अंदर क्या अल्फाबेट, वो जो एंगल कॉमन एंगल निकल रहा है ना, तो एनालिसिस नहीं आएगा, एनालिसिस नहीं आएगा। फिलहाल जब दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो देखो मेरे को मालूम है क्वेश्चन में उन्होंने दे दिए ट्राइंगल एक्स वाई जेड सिमिलर टू ट्राइंगल पी वाई आर, पी वाई आर, और एक्स वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन पी आर इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन पी आर, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, और ये एक्स वाई अपॉन पी वाई दे रहे क्या 4:7, फोर अपॉन, ओके। अभी देखो इसके अंदर एक्स वो फोर ऊपर, फोर न्यूमरेटर में, सेवन डिनोमिनेटर में, फोर किसको रिसेंबल कर रहा है, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, मतलब ट्राइंगल एक्स वाई जेड को, और सेवन किसको रिसेंबल कर रहा है, पी वाई आर को, है ना, पी वाई आर को, यानी जो ये जो ट्राइंगल है एक्स वाई जेड ये छोटा बनेगा, और जो पी वाई आर है वो तुम्हारा क्या बनेगा, बड़ा, ओके। तो सब में पहले हम लोग बनाएंगे वाई जेड जो है 5.1 सेंटीमीटर, वाई जेड बनाएंगे 5.1 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, हम मैं तुम लोगों को बताने के लिए थोड़ा बॉल पेन से कर रहा हूँ, फाइव पॉइंट वन, वाई जेड है 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर ये हो गया। फिर एंगल वाई 60 डिग्री, एंगल वाई है 60 डिग्री, सिक्सटी डिग्री लिए लाइन लंबी बनानी है, ओके, थोड़ी लाइन लंबी बना दो 60 डिग्री। अभी विद द हेल्प ऑफ कंपास, विद द हेल्प ऑफ कंपास वाई एक्स है 4.5, यहां मिल गया तुम्हारा x
4.5, और इसी तरीके से तुम्हारा ये फेयर फिगर का एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्ट हो गया। ओके, लेकिन अभी तुम्हारे को बनाने का है पी वाई आर बनाने। ओके, एक्स वाई जेड तो स्मॉलर ट्राइंगल बनेगा, लेकिन जो दूसरा ट्राइंगल है पी वाई आर वो बड़ा बनेगा ना, तो मैं ये लाइन एक्सटेंड कर रहा हूँ। चलो अभी कोई भी एक ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल लेंगे, कितना भी बड़ा एक्यूट एंगल ना, लेस देन 90 डिग्री, ऐसे एक लंबी लाइन ड्रॉ करके। ओके, अभी हम लोग कितने पार्ट बनाएंगे, मतलब 7 पार्ट, क्यों 4 और 7 में बड़ा कौन है 7, तो 7 पार्ट बनाएंगे। 4 और 7 में कौन बड़ा है 7, ये 4/7 है ना, 4/7 में 7 बड़ा है, तो 7 पार्ट बनेंगे। एक सूटेबल रेडियस, ज़्यादा बड़ा भी मत लो, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, ये 5 पार्ट, ये 6 पार्ट, ये 7 पार्ट, नेम देम। ये वाई है ना, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7। ओके, अभी ये जो जेड से ना, मैं ये 4 को जोड़ दूंगा, क्यों यहाँ पे 4 है ना मेरा, ये ट्राइंगल अपना रेडी हो चुका है, एक्स वाई जेड रेडी हो गया, और एक्स वाई जेड के लिए कौन है 4, तो 4 से ये 4 की इधर 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 है ना, 4 से जेड को टिक मार कर दो, वो लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, अभी क्या करो, 4 के इधर से एक सूटेबल रेडियस लो, एक सूटेबल रेडियस ऐसा कट कर 4 के इधर से ये लो। अभी दूसरा तुम लोग कहाँ से लेंगे, 7 के इधर से है ना, दूसरा कहाँ लेंगे तुम लोग, अरे 7 के इधर से। अभी ये इतना डिस्टेंस नापो, कट करें यहाँ पे रख के इसको कट करें, क्या समझ आए, अब क्या करेंगे इसको ज्वाइंट कर दो। ये ज्वाइंट कर दी, अभी सेम तरीके से, यही सेम तरीके से यहां पे कोई भी सूटेबल रेडियस लो, कोई भी अपने मन से, मैंने ये लिया, अब यहां पे रख के ये करें। अभी क्या करेंगे, इसको इससे नापो, ये डिस्टेंस नापो, यहाँ पे रख के ये डिस्टेंस तुम लोग वो करो। अब क्या करो, ये पैरेलल लाइन बना दो, ओके, ये थोड़ी लाइन तुम लोग और एक्सटेंड कर देना फिलहाल। यहाँ पे तुम्हारे को ये एक्स वाई जेड, अब ये ट्राइंगल क्या बन गया, एक्स वाई जेड ना, एक्स वाई जेड, पहला एक्स अल्फ़ाबेट एक्स है, तो इधर पहला अल्फ़ाबेट कौन है पी, तो यहाँ पे आपको मिला, यहाँ मिल गया पी, पी के बाद वाई, वाई के बाद आर। ओके, अब ज़्यादा करते बच्चे लोग है ना, एनालिटिकल फिगर में मिस्टेक कर देते हैं। ओके, अभी मैंने क्या करा, तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए एनालिटिकल फिगर बनाया यहाँ पे, फिर उसके बाद में मेरे को तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उसके लिए ये बता दिया, तो मैंने जगह छोड़ दिया था, मैंने जगह नहीं छोड़ा, ये मेरे को थोड़ा नीचे करना चाहिए था। फिलहाल तुम लोग भी क्या करना है, एनालिटिकल फिगर इतना बना लेना, फिर ये सम ये हिसाब से बना लेना, फिर एनालिटिकल फिगर को मैं इधर इधर बराबर से बना के बता रहा हूँ, तुम लोग भी ऐसे ही करो, समझ है।
एनालिटिकल फिगर, ऐसे तो एनालिटिकल फिगर पहले बता देते लेकिन तुम लोग बच्चे लोग मिस्टेक करेंगे, ओके तो मैं अभी एनालिटिकल फिगर को इसके जैसे ही पहले बना डालेंगे, एनालिटिकल फिगर बना देंगे फुट रूलर की मदद से। तुम लोग बना दो कोई भी सेंटीमीटर, इतना कि तीनों साइड में से ए, ये दोनों साइड में से ये बड़ी रहेगी, कितनी बड़ी बना लो, ओके ट्राइंगल बना लो, एनालिटिकल फिगर बनाया, एक्स वाई जेड कितना है, एक्स वाई ये 4.5, 5.1, 60 डिग्री, ओके ये हो गया 60 डिग्री। अब देखो अभी ये, अब मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन है वाई जेड मैं उसको एक्सटेंड करूँगा, क्यों, एक्स वाई जेड छोटा है पी क्यू आर बड़ा है, तो ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे मेरा मिल गया आर। अब मेरे को पी बनाने का है तो पी के लिए मेरे को ये लाइन एक्सटेंड करना पड़ेगा, मेरा ये जो एनालिटिकल फिगर लिखा हुआ थोड़ा कट हो जाएगा, और तुम लोग इसको इससे पैरेलल के हिसाब से जोड़ देंगे, ओके यहाँ पे मिल गया पी। देखो अभी पॉइंट्स कैसे लेके, देखो मैं पॉइंट देता हूँ, अब यहाँ देखो Y से R इस तरीके से पॉइंट दो कि Y से R 7 होना चाहिए और Z की जगह है ना, Z की जगह चौथे पे होना चाहिए, ये जो Z है ना ये Z की जगह चौथे पे होना चाहिए और 7 पॉइंट होना चाहिए। तो देखो ये 1, ये 2, एक मिनट ना, ये 1, ये 1, इसको भूल जाओ, इन लोगों को भूल जाओ, ये 1, ये 2, ये 3, 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये क्या हो गया 7। उसी तरीके से ये तुम लोग ऐसी लाइन ड्रॉ करो, इसको दो y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, ओके ये जेड से ये 4 को वो कर दो और आर से सिक्स को, ये हो गया अपना एनर्जी का। और ये एनालिटिकल फिगर मैंने ऐसा इसको देख के बना लिया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, फिलहाल तुम लोग भी बाद में बना लेना तो तुम लोग मिस्टेक करेंगे, समझ गए, ओके okay?